तो बेसिकली पहली बात तो अविनाश जी को मैं पर्सनली नहीं जानती थी, बट इसके बारे में पता था। वैष्णवी से मेरी मुलाकात हुई, ही इज फैबुलस एंड मेरी इनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। हेमंत जी के साथ भी मिली है फोन पे, तो इनके साथ एंड प्रदीप जी सबसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। रुस्लान इनफैक्ट तेरे संग के बाद हम साथ आ रहे हैं, तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि मुझे देखना है ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहेगा वापस में। और रुस्लान इतने साल बाद आ रहे हैं एंड ये पूरी शूट हुई है पंचगिनी महाबलेश्वर में एंड बहुत खूबसूरत लोकेशन पे हुई है। सो यस, आप तो रोज के बारे में पता किस तरह का किरदार निभा रहे हो शूट करने में? जैसे लव स्टोरी में होती है, हर लव स्टोरी में वैसे ही है। तो आप लोग देखिए, आप लोग की ब्लेसिंग और जनता जनार्दन है, तो आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कैसे। क्योंकि हम गाना कहते हैं हर पिक्चर को नहीं पैसे देते, ये पिक्चर क्या पैसे दे रहे हैं? ये तो आप बेटर है डायरेक्टर से पूछेंगे तो वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे जिनका काम है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इस पिक्चर के लिए मुझे जब फिल्म के डायरेक्टर अनीस भाई और मेरे प्रोड्यूसर और इस फिल्म के लीड मैन सलीम भाई मिलने आए थे, तो मुझे पूरी कहानी सुनाई और जिस जो जज्बा और जो जोश के साथ इनके अंदर जो एक एम्बिशन थी इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पे रिलीज़ करने की, कहानी बहुत अच्छी थी, मेरा किरदार बहुत अच्छा था, मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं इस फिल्म में कि एक होता ना कि आज एक एक्टर को लगता है कि मना करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव। सो एंड शीना ड्यूरिंग माई शूटिंग ऑल्सो आई केम अक्रॉस सलीम भाई और उनके साथ शीना, ये इन सब के साथ काम करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बिल्कुल अपने की तरह, सब इतने गुणी और इतने टैलेंटेड एक्टर्स रहे हैं, जबकि सलीम भाई बहुत अच्छा, उन्होंने डांस भी किया, बहुत अच्छा एक्शन किया, फिल्म देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो और अनीस भाई की क्या तारीफ़ करूं, इन्होंने तो इतनी अच्छी डायरेक्शन दी है फिल्म को कि फिल्म की स्टोरी जो थी वो एक, जैसे आपने पूछा कि ये फिल्म क्या मैसेज देती है, तो ये फिल्म मैसेज देती है कि जो सत्य है और जो सही है वो हमेशा असत्य और गलत के ऊपर हावी रहेगा। कोई कितना भी कोशिश करे सत्य को दबाने की या सही व्यक्ति को नीचाल करने की, वो कुछ वक्त तक ही कर पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सही व्यक्ति है, जो सत्य जो सच बोल रहा है, उसकी हमेशा जीत होती है। तो इस फिल्म से हमको ये मैसेज मिलता है। अरे सर, अभी वो रोमांस करने वाली उम्र निकल गई मेरी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा मिलेगा डेफिनेटली, आई एम गेम फॉर इट। और इतनी फिल्में की हैं मैंने इन द लीड इन अर्ली 90s, तो फिल्म में करता रहूं, एक्टिंग करता रहूं, चाहे वो OTT का मीडियम हो, चाहे वो TV का मीडियम हो, चाहे वो मूवीज़ हो, आई एम गेम फॉर एनीथिंग। अविनाश भाई ने बताया ना, सत्यता असत्य के रूप में, जब शुरू में असत्य जीतता है तो शुरू में हम लोग असत्य के रूप में इस फिल्म में असत्य को हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं। नेगेटिव किरदार है मेरा इंस्पेक्टर का, और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिक्चर का नाम ही धाक है ना, तो बेसिकली हम पब्लिक के दिल पर धाक जमाने के लिए आ रहे हैं, यही उद्देश्य है हमारा और यही एम्बिशन है हमारा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, दिलीप सिंह सर जिनका कि इस फिल्म में म्यूज़िक है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने म्यूज़िक दिया है। आप लोगों ने गाने सुने होंगे, अभी इनकी पिक्चराइजेशन भी आप देखिएगा, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, बहुत ही कमाल के का म्यूज़िक दिया है इन्होंने, और ये फिल्म के गाने ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। और दूसरे एक मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं शब्बीर भाई, शब्बीर शेख जी, जिन्होंने बहुत संगीत कोई नहीं चलेगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन संभाला शबीर जी ने, और शबीर सिंह जी ने बहुत अच्छी पब्लिसिटी में जो ध्यान दिया वो तो कमाल हो गया। दिलीप सर मैं बताऊँ, बोले तो बहुत हो गया, नया क्या लेके आए हो गाने में? नया बहुत कुछ है, नया धाक लेके आए हैं,
और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये मेरे लाडले सुपरस्टार भांजे साहब हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने जो मेहनत की है और इन सारों ने जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। और ये देखिए कि बड़े स्टारों के अंदर इतने सारे, मैंने नहीं देखा कि इतने सारे मीडिया आती है। आज मीडिया को देख के लगता है कि ये अपने आप की बहुत बड़ी फिल्म है और हमारे सुपरस्टार डायरेक्टर साहब सामने हैं। ये आपके बहुत प्यारी फिल्म बनी है और मैं समझता हूँ आज के युग की फिल्म बनी है। जो टाइटल है वो जस्टिस हुआ है और इन सब ने बहुत प्यारा काम किया। मेरी तरफ से इन सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद, दुआएं, जय महाकाल। सर, आप हीरो हो, पिक्चर के हीरो हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, किस तरह का आपका बॉडी में क्या करेक्टर है, हीरो का बनेगा? तो पहले तो मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ मीडिया का, कि आपका भी आशीर्वाद मुझे ज़रूरी है। फिल्म देखिए, फिल्म के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड बहुत कुछ बोल चुके हैं, और चाहता हूँ कि ऑडियंस देखें और आप देखें, आप एक जरिया हो अपनी फिल्म को प्रमोट करने का या फिर अपनी अच्छाई, अपनी प्रमोशन जो भी है बताने का, इसीलिए पहले मैं आपका आशीर्वाद दिया। मेरे पीछे मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया तब मैं मुंबई आ पाया, अनीश जी को पकड़ पाया, शब्बीर शेख जी को पकड़ पाया। तो ये चीज़ है, तो जब मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट किए तो ये बड़ा काम हो गया। तब जाके मुझे इसमें अच्छे अच्छे एक्ट्रेस मिले, अविनाश जी, कन्या जी और हेमंत जी, और अपने बड़े कलाकार हैं जो प्रदीप रावत जी हैं, तो उनका बड़ा योगदान मुझे रहा। तो मुझे लगता है कि मुझे सबका प्यार मिला है, सबका सपोर्ट मिला है, तो मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ। तो मैं सबका अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस थैंक यू सर। अविनाश जी, क्या टिप्स लिए आपने, आपने क्या टिप्स लिया? सर, अविनाश जी एक ऐसे इंसान हैं, जब मुझे टिप्स लेने का मौका आया वो पहले ही समझ के मुझे सब कुछ समझा देते, और उनका एक अच्छा मेरे लिए संदेश रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ों का मुझे बहुत सपोर्ट हुआ। और अपने अनीश जी तो एकदम एक्सपर्ट है, जो अपने डायरेक्टर हैं वो कैप्टनशिप उनको कैसे संभालना पता है, किस वक्त पे क्या करना है पता है, तो ये सारे जो बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई कि मैं कहीं पर चुप रहा हूँ या फिर कहीं पर कमी हो रही है, सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अनिल जी, आप काटा वाला कैप्टन हो, नाम जो रखा था जी, सोच जो रखा था, क्या इसे मिल मैसेज कर नाम रखा आपने, मिल सकता है क्या है? आप खड़े हो जाइए ना, ये ऑर्डर से नीचे देख रहे हैं। हाँ, आप ऊपर हो जाएंगे तो सब ऊपर देखेंगे, सेंटर हो रहा है। हाँ, जानना था आज जो नाम रखे आपने पिक्चर का, क्या सोच के नाम रखा आपने, क्या मैसेज रखा? आप अपनी धाक जमाने के लिए बेटर था। कास्टिंग देख रहा हूँ, कुमार रोहित कुमार सब मिक्स करके आपने किस तरह कास्टिंग आपने चूज किया, आपने बड़े सितारे, धर्म सितारे, सब स्टार आपने भर दिए, बाकी सब लोगों ने काम किया हुआ है, ये फिल्मों में भी काम किया हुआ है, और कोई नया नहीं है, सब एक्ट्रेस जो है मंझे हुए हैं। तो ऐसे किरदार मैंने जैसे अभी अविनाश जी को सुनाया, उनको काफ़ी पसंद आया, उन्होंने किया, प्रदीप जी को सुनाया, प्रदीप जी बोले कि यार मैं तेरी फिल्म कर रहा हूँ। तो जो है नीलूफर जी को सुन के आए थे हमारे साथ कि ये जो है ये काम कर रहा है, जब आई वो सेट पे तो उनको इतना अच्छा लगा कि फैमिली का माहौल लगा। तो इसे सीना जी से मुलाकात की, उनको जब कहानी सुनाया तो उन्होंने कि ठीक है हम साथ में करते हैं। एक टीम ऐसे लगता है कि ये एक फैमिली है, एक सपोर्ट रहेगा तो ये हिंदुस्तान में था क्या आपने नहीं बहुत सब लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, कोई छोटा होता ये नहीं। और मजे की बात ये थी कि हम शॉट लगाने से पहले पुराने गाने सुनने से पहले खुश रहा था, शॉट लगा के काम आराम से, ऐसे नहीं लगा कि हम शूट कर रहे, हम जो है ऐसे लगा कि हम पिकनिक मना रहे हैं। क्या बात है नीलोफर जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब वो क्या बताना चाहते हैं आपको करेक्टर के बारे में और कैसे पिक्चर में इतना मजा आया? सच सच शीला की मदर का रोल प्ले करते हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर है, लविंग और केयरिंग मदर है जो
माशाल्लाह जब भी कोई पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए लोग सोचते हैं तो दिलों का नाम जरूर लेते हैं, और पूरी टीम के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। सलीम, शीना, अनिस, अविनाश जी के साथ मेरा कोई स्क्रीन था नहीं, ना ही मुझे के साथ कर रहा। पृथ्वी जी इसमें मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने दिल का क्या स्क्रीन किया था। सो मैं काफ़ी खुश हूँ इस टीम का हिस्सा बन के, साथ में टीम का हिस्सा बन के, और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए बस। आप कुछ बोलना चाहते हैं? फिल्म देखे उसके बाद पता चलेगा किस किस्म का कैरेक्टर है मेरा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है हमारे अनीस भाई बारूल वाला, और ये फिल्म इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो स्त्री 2 का रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेगी। अपनी धाक बना के रहेगी ये फिल्म एक साथ बोलेंगे, मतलब तुम्हारो कल तो चलिए देखिए नए कलाकार को लेकर के अगर किया गया है तो हम लोगों को चाहिए जितने थिएटर में लग रहे हैं अपने जितने भी जानकार जानने वाले लोग हैं वो सब कल जा भी रहे हैं देखने। कंपनी ने हमारी कंपनी ने अपने सारे 27,000 लोगों को टिकट फ्री कर दिया है। क्या बात है, बहुत पहले से अविनाश जी हमारे ट्रम कार्ड हैं। नहीं देखिए पिक्चर तो आते जाते रहते हैं लेकिन पारिवारिक पिक्चर बहुत कम बनता है, पारिवारिक पिक्चर भाई ये हमारे बर्थडे के दिन 17 तारीख को स्टेज पे इसका प्रमोशन पहले हुआ था 2023 और समझ लीजिए कि 1 साल के बाद रिलीज हो रहा है। तीन दिन में तो वाकई इन्होंने बहुत मेहरबानी रखी, सारी मैं फिल्में कर चुका हूँ, 2,000 फिल्में छोड़ के इस लेवल का पोस्टर कभी नहीं आया। तो थैंक यू टू माय प्रोड्यूसर, थैंक यू टू माय हीरो एंड थैंक्स टू माय डायरेक्टर। तेरी आवाज़ आ नहीं रही। आप लोगों को किस तरह बॉन्डिंग रहा न्यू कमर और न्यू कमर के साथ? बहुत अच्छा रहा क्योंकि इतने सरल स्वभाव के लोग हैं हमारी फिल्म में। तो देखिए शुरुआत तो टॉप से ही होती है, टॉप में होते हैं हमेशा पिक्चरों में डायरेक्टर, तो इतना सरल स्वभाव है इनका कि कभी कभी तो लगता है कि ये वाकई डायरेक्टर है क्या भाई, इतना मैत्रीपूर्ण स्वभाव होता है, प्यारा होता है। और ये सेट पे कहाँ बैठे होते हैं उनका बढ़ते इनकी आवाज़ किस शीतल वे में और इतने सरल स्वभाव से बात करते हैं? नहीं सरल मैंने बोल दिया, आपको कुछ और बोलना modest way. And he's a very, very extremely polite gentleman. Yes. From Karnataka. Dharwad, Karnataka. So, यार बाकी और फिर हमारा जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर भी जब तक ये बताते नहीं कि प्रोड्यूसर है लगता ही नहीं है क्योंकि इर्द गिर्द कोई बॉडीगार्ड नहीं होते, कोई शोशेबाजी नहीं होती, एकदम सिंपल पोलाइट जेंटल सबके साथ। तो बहुत ही अच्छी यूनिट है, बहुत मेहनत की है, काफ़ी पैसा खर्च किया है, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है
जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तो पैसा वापस आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छा प्रयास जो है कर रहे हैं आगे, तो ईश्वर इन्हें कामयाबी दे और ऐसे और बहुत सारे लोग हिम्मत करके हमारे फील्ड में आए ताकि हम सबको अपना अपना रोजगार मिलता है। और हम लोग का सर का हाथ है सर। नहीं भाई तेरे भाव बता के समझ नहीं आ रही। एक मिनट भाई क्या बोल रहे इस फिल्म के लिए? देखिए ये फिल्म वैसे जैसे कि एक आम फिल्म होती है उसी तरह की फिल्म है और इसमें ऐसा कुछ कर्तव्य नहीं दिखाया गया है। सबने अपना अपना काम, सब हमारे अच्छे खासे एक्टर्स हैं, इसमें एक्सपीरियंस एक्टर हैं, इनको छोड़ के इनकी ये पहली फिल्म है, इनको छोड़ के ये देखिए एक एक्सपीरियंस एक्टर और आ गया। तो बाकी के सब लोग बहुत एक्सपीरियंस एंड गुड एक्टर्स आर वी हैव। तो ऐसा कोई अनोखी टाइप की नहीं है, जैसी एक आम फिल्म होती है एंटरटेनिंग फिल्म, इट इज़ जस्ट दैट। मेरा हो गया तो मैं पहली बार नेगेटिव रोल कर रहा हूँ और मेरे पास इंस्पिरेशन है, मेंटर भी है और ये मेरे डैड भी है फिल्म में, तो मेरे ज़्यादातर सीन इनके साथ रहे हैं। मेरा फिल्म फैंटास्टिक, बहुत सीखने को मिला। और सर मैं जब लाइन्स बोलता था तो अपने रोमांटिक स्टाइल में बोलता था, तो सर बोलते थे क्या कर रहे हैं यार, जोर से बोल, दम रहा कैरेक्टर में। आई लर्न द लॉट एंड अनीस सर वॉज देयर, ये हमेशा मुझे इंकरेज करते थे। ये मैं जो भी करता था, जो भी टेक देता था, ही यूज़ टू टेल मी बहुत अच्छा किया, सो दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस, तो मैं कुछ अलग कर पाया। एंड ऑब्वियसली हमारे जो हीरो हैं एक नए एक्टर हैं एंड कोई भी नया एक्टर हो यू मस्ट सपोर्ट हिम। तो ये पिक्चर में इनका काम बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, यू हैव टू वॉच इट। एंड अविनाश सर तो ऑलवेज हैंडसम, लुक एट हिम, ऑलवेज हैंडसम। और शीना जो मेरी तेरे संग थी, मेरे साथ हीरोइन थी, मैंने ऑलमोस्ट डेब्यू किया था शीना के साथ, कितने सालों के बाद हम काम कर रहे हैं साथ में, पर इस पिक्चर में मैं इसे छेड़ रहा हूँ और उसकी वजह से मार खा रहा हूँ। तेरे संग में इसने मुझे छेड़ा था, वे प्रेग्नेंट हो गई थी इनकी गलती के वजह से।